चारधाम यात्रा के नाम पर हुड़दंग मचाने के मामले काफी बार सामने आ चुके हैं। अब एक बार फिर से ऐसा ही मामला सामने आया है, जहां केदारनाथ धाम में दो युवकों को पुलिस ने हुक्का पीते हुए पकड़ लिया। पुलिस ने दोनों युवकों का चालान किया और कड़ी हिदायत भी दी। दोनों युवक राजस्थान बीकानेर से आए थे और खुले में हुक्का पी रहे थे। इसी दौरान मुख्य आरक्षी प्रशिक्षु अर्जुन सिंह रावत और दीपक जोशी ने इन दोनों युवकों को हुक्का पीते हुए देख लिया। पकड़े गए युवकों का नाम किशोर और अनिल है। दोनों राजस्थान बीकानेर के रहने वाले हैं और दोनों ही खुले में हुक्का पी रहे थे। पुलिस ने दोनों को पकड़कर दोनों का चालान किया और कड़ी हिदायत दी। वहीं पुलिस अधीक्षक आयुष अग्रवाल ने बताया कि उत्तराखंड पुलिस धार्मिक स्थलों की स्वच्छता और मर्यादा बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। मर्यादा भंग करने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। तो इसी कड़ी में पुलिस ने दो युवकों को केदारनाथ धाम में हुक्का पीते हुए पकड़ लिया। दोनों युवक राजस्थान के रहने वाले थे और वो खुले में केदारनाथ धाम में हुक्का पी रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने दोनों युवकों का चालान किया और दोनों को ही कड़ी हिदायत दी।